अच्छा, हम लोगों का तो वैसे भी सवाल पैदा नहीं हो सकता जिसको कुछ पता ही नहीं था जब वालदैन के साथ थे कि इनका मकाम क्या है। ठीक है, तो किसी मौके पर मसलन दिल दुखाए होंगे, ये क्या होगा वो क्या होगा, अब इसको बरज़ख में जवाब देना है या नहीं देना है? जवाब देना है। अच्छा, ये तो वो हैं जो उनको मैं जानता हूं, मेरे वालदैन, मेरे भाई, मेरा रिश्तेदार, फना फना। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हम, और उनका जवाब देना है। फर्ज करने के भाई मैंने कोई काम काज किया, मेरे ऊपर एक खुम्स वाजिब हो गया, वो खुम्स मैंने नहीं दिया। अच्छा, अगर मैं खुम्स दे देता तो मिसाल के तौर पर कुछ लोगों की भूख मिट जाती, कुछ लोगों की मुश्किलात खत्म हो जाती, मैंने नहीं दिया, वो मुश्किलात में रह गए, ये बरज़ख में मेरे सामने आएंगे या नहीं आएंगे? या आएंगे। अच्छा, अगर खुदा ना करे, नाऊज़ बिल्लाह ताला, मेरी किसी खुम्स ना देने की वजह से कोई शख्स बीमारी में मर गया, ये मेरे सामने आएगा या नहीं आएगा? पूरी जिंदगी में ऐसे लोग कितने बन जाएंगे, इन्हें क्या दूंगा मैं, क्या दे सकता हूं? ये मुझसे खड़े होकर कहेगा कि मैं मर गया, मैं 5 साल की नमाज से महरूम रह गया, 5 साल की नमाजें दे दी, मेरे पास क्या बचेगा? तो एक बंदा है, अगर ऐसे 500-600 आ गए, एक और मिसाल अर्ज करता हूं, मसलन फर्ज कर लीजिए कि मैं एक जगह ताकतवर था दुनिया में, मसलन बहुत सारे लोग मेरे सामने कमजोर थे, मैं एक ताकतवर था, बहुत सारे लोग मेरे सामने कमजोर थे, ये जितने कमजोर होंगे ना, ये खुदा की बारगाह में खड़े होंगे, खुदा इसने जब ये ताकतवर था ना तो हमारे साथ ये नाइंसाफी किया। कुरान करीम ने फरमाया तुम्हारा 50,000 साल हमारा एक दिन बनता है, और मैंने इसकी 3 साल इंसल्ट क्यों? तो ये जो बरज़ख में जाते हैं ना, ये बाज़ोकात बताते हैं कि कई 1,000 साल एक बंदे को निपटाने में लग गए, ये हम लोग नहीं निपटा सकते। ये बात फौरन समझ में आ रही है कि ये हम सिर्फ कहें कि भाई हम अपनी इबादतें दे देंगे, नहीं, इतनी इबादतें हमने नहीं की हैं, 1,000 साल थोड़ी इबादत की, कहां की है, इतनी बातें नहीं कर सकते। तो ये होगा कैसे फिर? इसके एक दो रास्ते हैं, शबे जुम्मा है और हम सबको बेहतर है कि इस मरहले के लिए तैयार कर लेना चाहिए अपने आप को। इंशाअल्लाह दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تو اب دو کام کر سکتے ہیں، ایک کام تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی اب آج کے بعد سے کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ ہونے دیں، کہ بھائی جو پیچھے کا نپٹانا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ مزید کا رسک لینا یہ اب نہیں کریں گے۔ تو خدا کے نظام میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اگر واقعا اس کی توبہ صحیح ہو، اور خدا نے قرآن کریم میں فرمایا تابو و اصلحو، یعنی توبہ کرے اور عمل صالح بجا لائے، یا بولیے اصلاح کر لے، صحیح ہے، تو خدا بخش دیتا ہے۔ ایک راستہ یہ کہ اگر میں نے اچھی توبہ کر لی، واقعی توبہ، اس کے بعد واقعا نہیں کیا غلط کام، واقعا کوشش کی کہ نہیں مجھے برزخ میں نہیں پھنسنا، میں نہیں کروں گا، تو عین ممکن ہے کہ خدا پچھلوں کو نپٹا دے، پچھلوں کو بخش دے۔ اچھا، وہ جن کے ساتھ میں نے خرابی کی ہے پھر ان کا کیا ہوگا؟ خدا جانتا ہے ان کو کیسے خوش کرے گا، خدا کی تو اقتدار میں ہے۔ تو مثلا خدا انہیں کوئی ایسی چیز دے گا، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی انہیں نہیں ملے گا، نہیں، انہیں پورا ملے گا، جو میں نے غلط کیا تھا اس کا نتیجہ میں ان کو ملے گا۔ کیا دے گا خدا؟ اللہ جانتا ہے، ان کے دل کو خوش کر لے گا، مجھے بخش دے گا اگر میں نے واقعا توبہ صحیح کی ہو، واقعا توبہ صحیح کر لی، نادم ہوا، پشیمان ہوا، اس کے بعد اصلاح کر لی، تو خدا نے پیچھے کو بخش دیا اور آگے ظاہر ہے پھر میں غلط کام نہیں کر رہا۔ اچھا، دوسرا معاملہ روایات نے یہ کہا کہ جن کا کوئی حق تمہارے اوپر ہے، اگر تم ان سے جا کر کہو اور معافی مانگ لو، اس شرط پہ کہ ان کا دل نہیں دکھانا ہے، اس شرط پہ کہ ان کا دل نہیں دکھانا ہے۔ کیوں؟ بعض اوقات میں کسی بندے کے پاس جاتا ہوں اور اس کو یاد دلاتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ یہ گڑبڑ کی تھی، اس کے دل میں اور زخم نیا بن جاتا ہے، اس کے دل میں درد اور بڑھ جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بہتر یہ مت بتاؤ۔ اگر یہ پتا ہو کہ بتاؤں گا
तो वो खुश होगा, माफी मांगूंगा माफ करेगा, खुश होगा तो फिर तो कर ले, वरना नहीं करे। गीबत कभी नहीं बताएं, ये गीबत हर गीबत बताने की नहीं है। बाद औकात किसी इंसान को जाके बताते हैं मैंने तुम्हारे साथ ये किया, उसका दिल और कोड़ता है बेचारे का, मत बताएं फिर। अगर जाके बताएं और उसका दिल नहीं कोड़ेगा, माफ कर देगा, तो फिर अच्छा है जाके बताएं, बल्कि सच्चे दिल से उससे कहेंगे सजा दे दे। नहीं देता कोई, मैं तो ज्यादातर ये समझ रहा हूं कि नहीं बताओ अच्छा है, क्योंकि बताने में उसका दिल ज्यादा कोड़ता है। एक बात अच्छा, आप बता भी नहीं सकते फिर क्या करें, तो हमारे पास रिवायतों में है कि इसके लिए इस्तिग़फ़ार करो, इसके गुनाहों के कम होने के लिए खुदा से दुआ करो। कितनी दुआ करो इसके इस्तिग़फ़ार के लिए, जितने तुम अपने अमल देकर इससे सौदा करते ना, उतने उसके गुनाह कम करवा लो। भाई मुझे इसको खुश करने के लिए सौदा करना था ना कि 5 साल के अमाल दूं, 3 साल के अमाल दूं, इतना उसके लिए इस्तिग़फ़ार करो कि खुदा उसके इतने गुनाह कम कर दे, तो तुम्हारा मामला बराबर हो जाएगा। ये एक हो गया, दो बातें हो गई, तीसरी एक और बात भी है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। तीसरी बात यह है कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, अच्छाइयां बुराइयों को खत्म कर देती हैं। युज़हिबन का मतलब होता है लेके चली जाती हैं, जैसे मसलन कोई कहीं जा रहा हो किसी और को भी साथ ले जाए तो इसको कहते हैं युज़हिब, कि मसलन वो अपने साथ ले गया उसको, तो अच्छाइयां बुराइयों को खत्म कर देती हैं, महव कर देती हैं। तो अब मसलन मुझे पता है मैंने फना बंदे के साथ नाइंसाफी की है, जाके बोलूं उसका दिल बहुत कोड़ेगा, या मर चुका अब मैं क्या बोलूं किसी को, दुनिया से चला गया, या वो जिनका मुझे पता ही नहीं है। मैंने जैसे खुम्स की मिसाल दी, मैंने खुम्स नहीं दिया नाउज़ु बिल्लाह ताला, उस साल कितने लोग उसकी वजह से मुतासिर हुए अल्लाह जानता है, मुझे क्या पता। तो अब मैं क्या करूं, उसके लिए इस्तिग़फ़ार भी नहीं कर सकता, जानता ही नहीं उसको कौन है। दुआ तो कर सकता हूं खैर कि खुदा अगर कोई है तो उसके गुनाहों को खत्म कर दे। एक और काम करूं, उसके नाम पर कुछ अच्छाइयां कर लूं, उसके नाम पर कुछ अच्छाइयां करूं, मसलन कोई नेक काम करूं और कहूं खुदाया इसका सवाब उनको दे दे जिनका हक मेरी गर्दन के ऊपर है, ताकि मेरा उनका थोड़ा मामला निबट जाए। तो मिसाल के तौर पर आप ज्यारतों पे जाएं ना, कोई एक ज्यारत उन लोगों के लिए करें जिनका हक आपकी गर्दन पर है। हज पे जाएं, एक उमरा उनके लिए कर लें, एक तवाफ उनके लिए कर लें जिनका हक आपकी गर्दन पर है। क्यों नहीं मालूम कितने लोग होंगे, लेकिन करो, मुसलसल करते रहो। तो हमारे पास एक दुआ है, खुनूत में भी पढ़ते हैं, रब्बना अग़फिर लना वलि वालिदैना वलिमन वजब लहू हक़्क़ुन अलैना। खुदा हमें बख्श दे, हमारे वालदैन को और उनको जिनका कोई हक हमारे सर पर है। वलिमन वजब लहू हक़्क़ुन अलैना वलिमन वसाना बिद्दुआ, उसको भी बख्श दे जिसने हमसे दुआ के लिए कहा था। सही है, ये सारी बातें अर्ज कर दी। अब दुरूद मैं यहां अर्ज करना चाहता हूं, दुरूद का मामला, ये सब भी कर लो ना, सारे झगड़े निपट जाएंगे? नहीं, नहीं निपटेंगे। ये सब भी कर लूंगा नहीं निपटेंगे। मैं 55 साल उम्र है मेरी तकरीबन, कितनी मैंने गलतियां की होंगी अल्लाह जानता है, नहीं निपटेंगे इससे। अब एक चीज है जिसपे बड़ी उम्मीद है, वो क्या है, मेरे जहन में इस तरह से आया कि भाई मैं दुरूद भेजता हूं। बाज़ औक़ात दुरूद भेजते हैं तवज्जो हो जाती है, बाज़ औक़ात दुरूद भेजते हैं तवज्जो नहीं होती। क्या करें, दुरूद पे तवज्जो बढ़ जाए हमारी। अब दुरूद पे इतनी बात आ गई तो ये भी अर्ज करता चलूं, मेरा ख्याल है बेहतर है जिंदगी में तय कर लें कि हम जब भी रुकू सजदा करें हर जिक्र के साथ एक दुरूद पढ़ें। जो भी जब भी मतलब मुस्ताहब नमाज पढ़ें, वाजिब नमाज पढ़ें, कुछ भी पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हैं, जिक्र रुकू जिक्र सजदा, चाहे आपने 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहा, सुभान रब्बी अल अज़ीम कहा, बिहम्दे, जो भी आपने जिक्र किया, एक दुरूद पढ़ लें, उसमें क्या होगा, जिंदगी में दुरूद की तादाद थोड़ी बढ़ जाएगी। सही, तवज्जो कैसे बढ़ाएं, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं हर दुरूद पढ़ते वक्त ये कहूं खुदाया ये दुरूद पढ़ रहा हूं, एक जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं इस्तेलाह, खुदा पनाह मोहम्मदी नसीब कर दे, नबी की पनाह नसीब कर दे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना कुछ भी कर लूं ना
मैं मामला निपटा नहीं पाऊंगा, मुझे किसी की पनाह चाहिए, कोई हो ताकतवर जिसके पीछे मैं छुप सकूं, पनाह ले सकूं। और पनाह लेने के लिए कौन रहमतुल लिल आलमीन से बढ़कर होगा, कौन उनसे बढ़कर होगा। तुम्हें जहन में आता है कि जब भी दुरूद पढ़े, अब मैं कह दूंगा कुछ लोग इंशाल्लाह कर भी लेंगे, और मैं डर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि मैं ही ना करूं मेरे दिमाग से निकल जाए, तो इंशाल्लाह खुदा मेरे जहन में बाकी रखे कि जब भी दुरूद पढ़ें अपने जहन में ये लफ्ज दोहरा लें, अमान मोहम्मदी, पनाए मोहम्मदी, नबी की अमान दे दे। उर्दू में कह रहे हैं नबी की अमान, कुछ भी एक रेफरेंस हो कि खुदा इस दुरूद के जरिए से मैं उनकी अमान तलब कर रहा हूं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद फरद। ये जो हम लोग ज्यारत में अल अमान अल अमान कहते हैं, बहुत खूबसूरत काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमाज में जब आखिरी इमाम की ज्यारत कर रहे होते हैं कहते हैं अल अमान अल अमान अल अमान, ये वही अमान है, ये वही पनाह है, ये बहुत अहम है। क्यों भाई? अपने अमाल के बलबूते पे खुले सरात से गुजर जाओगे क्या? अपने अमाल के बलबूते पे मौत के मरहले को गुजार लोगे क्या? नहीं। दावा करना भी फजूल है, जो ये दावा करे अहमक है। हमें किसी की पनाह चाहिए, सादा सी बात है। ये बहुत अच्छा अमल है ज्यारत के वक्त अल अमान अल अमान। सिर्फ हमारे साथ मुश्किल क्या, हम लोग तवज्जो नहीं देते। आप संजीदगी से बोलो कि मौला आपकी पनाह चाहिए। पनाह सिर्फ मरने के बाद चाहिए? नहीं, मरने से पहले भी चाहिए। मिन फितन ज़मान, जमाने के फितनों से पनाह चाहिए। मिन शर शैतान, मिन ज़वाल ईमान, सबसे पनाह चाहिए, बिल्कुल पनाह चाहिए। और आयतुल्लाह जवादी आमली इसमें दो जुमले इजाफा करते हैं, कहते हैं मिन शुरूर अनफुसना व सैयात अमालना, हमें अपने नफ्स की बुराइयों से भी पनाह चाहिए। हमारा नफ्स से बुराइयां करता है। सैयात अमालना, हमें अपने अमाल की बुराइयों से भी पनाह चाहिए, क्योंकि अमाल की बुराइयां जो हमें ले डूबती हैं बाद वक़्त। उसके बाद कहते हैं अमान किसके लिए चाहिए? अगर हम दुआ सिर्फ अपने लिए मांगे ना, चांस है कि कबूल हो, चांस है कि कबूल ना हो। लेकिन अगर दुआ दूसरों के लिए मांगे, इम्कान बढ़ जाता है, कबूलियत आएगी। हमारे पास रिवायतों में कि जब भी दुआ करने लगो नबी पर उनकी आल पे दुरूद भेजो, वालिदैन के लिए दुआ करो, दुआ की कबूलियत का इम्कान बढ़ जाता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं अल अमान मिन फितन ज़मान और फना फना, अल अमान ली वाले वालिदै, मौला अमान मुझे भी चाहिए, मेरे वालिदैन को भी चाहिए। फिर जितना आप बढ़ाना चाहें बढ़ाते रहें, सबके लिए अमान तलब करें, कुल मोमिनीन और मोमिनात के लिए तलब करने, आपकी मर्जी है। लेकिन अहमियत दें कि दूसरों के लिए भी तलब कर रहे हैं, तो उससे आपका और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। सही है, तो ये पनाह बहुत अहम है कि हम खुदा से कह रहे हों कि खुदाया हम अपने अमाल के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, हम तेरी हुज्जत की पनाह के ऊपर मुतमईन हैं कि उनकी पनाह नसीब हो।